श्री रामो जगतां तातो जगन माता तु जानकी, जगत के पिता राम है और जगत की माँ जानकी जी है, सीता है। तो संसार में हमारे माता पिता दो होते हैं। अगर हम ये ऐसे ही सीताराम को मान ले, लीला में ऐसे ही थे भी, क्योंकि संसारी विवाह हुआ था सीताराम का, वैसे तो एक ही दो बने हैं, सिद्धांत के द्वारा दो है ही नहीं, राम ही दो बन गए, एक पति एक पत्नी, पतिश्च पत्नी च भवताम। गिरा अर्थ जल बीजिम कहियत भिन्न न भिन्न। बोलने में दो है, वास्तव में दो नहीं है, क्योंकि एक ही दो बना है तो दो नहीं हो गया। तो अगर हम सीताराम को अलग अलग मान ले तो कौन अधिक इंपॉर्टेंट है? तो अब आया शास्त्र। तो शास्त्र कहता है पितु शतगुणा माता, बाप की 100 गुना अधिक इंपॉर्टेंट माँ होती, 100 गुना। देखो शंकराचार्य सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करते, उनके वेद में नियम है कि सन्यासी किसी को प्रणाम नहीं करता, खाली भगवान को करता है और गुरु को करता है बस। लेकिन वो भी कहते हैं प्रसूर बंध्या यति भी, सन्यासी को भी माँ को प्रणाम करना चाहिए। और बिना माँ को के परमिशन के सन्यास भी नहीं ले सकता कोई, शंकराचार्य को भी माँ की परमिशन लेनी पड़ी, गौरांग महाप्रभु को भी लेनी पड़ी। सन्यास मार्ग में वो नियम है। तो इस दृष्टि से माँ का स्थान क्या है? और देखो एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं आपको। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में घिघियाते रहे, रिरियाते रहे राम से, कृपा कर दो राम, कृपा कर दो राम। राम सीरियस बैठे हैं, सुन रहे हैं लेकिन बस बैठे हैं सीरियस, सिर भी नहीं हिलाते। उन्होंने कहा हे बाप ऐसे ही है, अब चलो माँ के पास। अंत में उन्होंने कहा कबहु का अम्ब अवसर पाई, मोरिहु सुधी द्याई भी कछु करुण कथा चलाए। माँ कभी जब पिताजी का मूड बढ़िया हो तो करुण कथा चला करके, कथा प्रसंग कोई कृपा की दया की,
उसी समय मेरे विषय में भी दो शब्द बोल दीजिएगा। तो सुनत राम कृपालु के मो बिगड़ी वो बन जाए। तो माँ मेरी बिगड़ी बन जाएगी। यानी तुलसीदास के भी दिमाग में ये बात थी कि माँ अधिक कोमल होती है, जैसे संसार में होती है ना, ऐसे उधर भी होती होगी। ऐसा होता नहीं है, आप लोग धोखे में ना आवे। तुलसीदास जी को ऐसा आइडिया है अपने संसार का, तो वो समझ रहे हैं कि माँ से कह देंगे तो वो ज्यादा दयालु है, वो पिताजी से सिफारिश कर देंगी। वो पिताजी और माताजी दो नहीं है, और फिर पिताजी बुद्धू नहीं है कि माताजी के कहने में आ जाएंगे। वो तो आपका हृदय देखेंगे कंप्लीट सरेंडर है कि नहीं, वहां कोई घपड़ सपड़ नहीं चलेगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। क्योंकि अगर आज सीता जी तुलसीदास की सिफारिश कर दे तो कल सूरदास, परसों मीरा, परसों कबीर तमाम खड़े हो जाएंगे, माँ हमारी भी करो। एक की कैसे करेंगे? तो जो कानून है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, वही चलेगा। कानून में कोई परिवर्तन भगवान के यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी संसारी माँ बाप के दृष्टिकोण से तुलसीदास ने ऐसा कहा, और आप भी ऐसा कह सकते हैं सीता माँ से। लेकिन समझे रहिए, बुद्धि में ये दो नहीं है। अतएव सीताराम को एक मान करके ही दोनों माँ है दोनों बाप है, ऐसा मान करके जरा भी भेद बुद्धि न होने पाए और उपासना करनी चाहिए।